हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ जिसमें हम बनाएंगे रवा इडली। तो जिसके लिए हमने ले लिया 500 ग्राम सूजी और ये हमने एक बाउल दही ले लिया, ये हमने थोड़ा रिफाइंड लिया है और ये हमने थोड़ा सा एक चम्मच नमक ले लिया और ये हमने आधा चम्मच इनो ले लिया। अब हमें इसका घोल तैयार करना है। घोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें डालना है सूजी, हमने इसमें सारी सूजी ऐड कर दी। 500 ग्राम सूजी हमने ली है। सूजी डालने के बाद हमें इसमें सारा दही डाल देना है। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हमें डालना है एक चम्मच नमक। हमने इसमें एक चम्मच नमक डाल दिया। हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये घोल हमारा तैयार हो गया है। इसमें हमें इनो भी ऐड नहीं करना, इनो हमें जब हम इडली बनाएंगे तब ऐड करेंगे। और ये घोल आप देख सकते हैं ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है, और ये घोल इसी तरह तैयार होना चाहिए। अब हमें इसे आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए और फिर उसके बाद हम बनाएंगे इडली। अब हमें इस पे अच्छे से ऑयल लगा देना है। इसमें ऑयल लगा के रख दिया है और अब हमें इसमें ऐड करना है इनो। इनो हमने ऐड कर दिया है और इसको हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है वरना हमारी इडलियां फूलेंगी नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब हमें वो इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि वो अच्छे से बन जाए और फिर हमें इसे अच्छे से पूरा ऊपर तक इसे डाल दें अच्छे से। घोल हमने इसमें डाल दिया है इसके स्टैंड में और अब हमें इसको उसके स्टैंड में डालना है और इसका पानी हमने गर्म रख दिया था पहले और इसको अच्छे से हमें हमारी इडली बनके तैयार हो गई है। आप भी देख सकते हैं ये कितनी फूली फूली हुई है और अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट भी बनी है ये, और ये बहुत गर्म है अभी तो इसे अभी हमें नहीं निकालना है। थोड़ी देर इसको रख दें और इसको अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे निकालें वरना ये टूटने लग जाएंगी। ये बहुत फूली फूली और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हैं। ये अच्छे से ठंडी हो गई है, अब हमें इसे धीरे धीरे निकाल देंगे चाकू से और ये बहुत आराम से भी निकल जाएंगी क्योंकि ये ठंडी हो गई है और इस पर हमने ऑयल लगा दिया था इससे ये चिपकेंगे नहीं। इसको धीरे धीरे निकाले वरना ये टूट जाएंगे। ये देखिए हमने एकदम अच्छे से निकाल लिया है इसको और ऐसे ही करके हमें सारी अच्छे से निकाल लेनी है। इडली बनके तैयार हो गई है और आप इसे चटनी के साथ और सांभर के साथ खा सकते हैं। आप भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिए और हमें बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में जो हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।